अमदावाद शहर में रखड़ता ढोर नो त्रास वध्यो। एक बाजू रस्तो खराब और बीजी बाजू ढोरोए अड़ींगो जमावता वाहन चालको परेशान। रखड़ता ढोर अंगे वहीवटतंत्र मौन। बनासकांठाना मेरवाड़ा गाम में रखड़ता ढोर की अड़फेटे एक मौत, बे घायल। मेरवाड़ा पासे कार साथ आखलो उथड़ाता अकस्मात। पालनपुर पुलिस कार्यवाही हाथ धरी। दिग्गज रोकाणकार राकेश झुंझुनवाला निधन, 62 वर्ष की वये मुंबई में लीधा अंतिम श्वास। भारतना वॉरेन बफेट तरीके ओळखाता हता राकेश झुंझुनवाला। ताजेतर में शुरू करी हती आकाशा एरलाइन्स। अरबी समुद्र में वेलमार्क लो प्रेशर सक्रिय थता राज्य में 5 दिवस भारे वरसाद की आगाही। माछीमारों ने दरियो न खेड़वा सूचना। आज बनासकांठा और साबरकांठा में भारे वरसाद की आगाही। 15 ऑगस्टे नवसारी वलसाड दमण और दादरानगर हवेली में भारे वरसाद थवानी संभावना। मेहसाणा अरवली सूरत डांग और तापी में भारे वरसाद वरसी शके छे। 16 ऑगस्टे बनासकांठा साबरकांठा नवसारी कच्छ अरवली और वलसाड में भारे थी अति भारे वरसाद थवानी शक्यता। राज्य में अत्यार सुधी सीजन नो 84% वरसाद वरस्यो। नर्मदा डेमनी जल सपाटी में वधारो। नर्मदा डेमनी जल सपाटी 134.82 मीटर पहुंची। डेमनी महत्तम जल सपाटी 138.68 मीटर। नर्मदा डेम में 1,04,000 क्यूसेक पानी की आवक। डेमना 10 दरवाजा खोली 30,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ायु। आणंद में मोड़ी रात्र वरसाद। आणंद विद्यानगर चिखोदरा वघासी में वरसाद। सतत वरसाद वातावरण में ठंडक। द्वारका में मेघराजा आगमन। द्वारका में पवन साथ वरसाद। वहली सवार वातावरण में पलटो आता वरसाद आगमन। डांगना कोशमाल में आवेलो भींगू धोध प्रवासियों माटे आकर्षक बन्यो। डांगना वरसादना लीधे भींगू धोधनी मजा माणवा लोको उमटिया। मोटा प्रमाण में प्रवासी ट्रेकिंग माटे उमटिया। अंबाजी में सतत वरसाद थी रस्ताओ धोवाया। रस्ता में पत्थर खसता गब्बर पर चालता चढ़वानो रस्तो करायो बंद। गब्बर में सतत वरसाद थी रस्ता में पत्थरों सरक्या। पगथिया नीचे थी माटी और पत्थरों नु धोवाण थता रस्तो बंद करायो। यात्रिको गब्बर उतरवाना रस्ता थी ऊपर जई शकशे। मंदिर में अखंड ज्योतना दर्शन चालू। खेड़ा जिला में वरसादी माहौल। खेड़ा मातर त्राज सहित विस्तारों में धोधमार वरसाद। मातर लिंबासी सायला शेखुपुर सहित ग्राम्य विस्तारों में पड़ो वरसाद। मातर में 15 ऑगस्ट की जिला कक्षा की थनार से उजवणी। मातर में धोधमार वरसाद खाबकता वहीवटतंत्र एलर्ट। 2 दिवस विराम बाद मेघराजा धोधमार वरसया। साबरकांठा विजयनगर उपरवास में भारे वरसाद। हरणाव नदी में आव्यु पूर। सरसव गाम में घुसया नदी ना पाणी। साबरकांठा विजयनगर सहित उपरवास में भारे वरसाद। हरणाव नदी में आव्यु पाणी। हरणाव नदी ना पाणी रहेणाक विस्तार में फरी वळ्या। पाणी विजयनगर ना सरसव गाम में प्रवेश्यु। स्कूल पण वरसादी पाणी में गरकाव। साबरकांठा में हाथमती नदी नो भोलेश्वर कोजवे डूब्यो। कोजवे पर लोगों की अवरजवर बंद कराई। उपरवास में वरसाद थता हाथमती जलाशय में 8,400 क्यूसेक पानी की थी आवक। साबरकांठा जिला में धोधमार वरसाद ने लई ठेर ठेर भराया पानी। जिला 8 तालुकाओं में 6 इंच थी वधु वरसाद। सेई पनारी हरणाव नदी बे कांठे वहती थी। साबरकांठा विजयनगर में 6 इंच जेटलो वरसाद खाबक्यो। हरणाव जलाशय 80% थी वधु भराई जता तंत्रए आप्यो एलर्ट। खेड़ब्रह्मा वांघा कुंपा सधरा कंपा शिलवाड़ सहित 10 गामों ने कराया एलर्ट। साबरकांठा हड़ियोल में भारे वरसाद ने पगले खेतरो बेट में फेरवाया। खेतरो में पानी भराई जता मगफली कपास डांगर सहित पाक और शाकभाजी ने नुकसान। खेत उत्पादन में भारे घटाड़ो थवानी शक्यता। तलोदना गोरठिया जलाशय में वरसाद पगले पानी की भारे आवक। बे कांठे वही रही है मेशो नदी। हाल गोरठिया जलाशय में 3,000 क्यूसेक पानी की आवक। साबरकांठा हिम्मतनगर बड़वंतपुरा रेलवे अंडरपास में वरसादी पानी भराया। रेलवे विभाग ने प्री मॉन्सून कामगिरी की पोल खोली। रेल विभागे पानी नो निकाल करवा कार्यवाही हाथ धरी। स्थानिक लोगों ने पड़ी हालाकी। साबरकांठा में धोधमार वरसाद। हिम्मतनगर धनसुरा रोड पर हड़ियोल गाम पास वरसादी पानी भराया। वाहन चालकों ने हालाकी। हड़ियोल गाम में वरसादी पानी भराता लोग परेशान। साबरकांठा में वरसाद ने कारण खेतरो में पानी भराया। खेतरों पाक ने नुकसान की भीति। हिम्मतनगर की अनेक सोसायटीओं में वरसादी पानी। मोतीपुरा विस्तार में हाईवे पर भराया पानी।
अरवली भिलोड़ा हाथमती और बुढ़ेली नदी बे कांठे वहती थी। प्रवास में भारे वरसाद ने कारण नदी में नवा नीर की आवक। तंत्रे किनारा गामड़ाओं ने कर्या सतर्क, लोगों ने सावधान रहवा कराई अपील। अरवलीना मालपुर में धोधमार वरसाद। मालपुर बजार में पानी भराया। मालपुर राजमार्ग नदी बनया। मालपुर ग्राम्य विस्तार में वरसादी झापटा। अरवलीना भिलोड़ा में 3 इंच वरसाद। मांकरोड़ा, खुमापुर, धौलवाणी, मई, मुनाई, जूना भवनाथ में थयो वरसाद। वरसाद ने पगले रस्ताओं पर पानी भराया। खेतरो पानी में तरबोल। दाहोद जिला में वरसाद थी प्रकृति सोड़े कड़ाई खीली। बे दिवस बाद वरसेला वरसाद थी नदी नाला छलकाया। धोध जोवा प्रवासी उमटिया। गीर सोमनाथ ऊना तालुका सनखड़ा गाम चौमासा में प्रभावित थयु। रावल नदी में पूर आता गाम बे भाग में वहचायु। जीवना जोखमे लोग नदी क्रॉस करता थया। बाळकों ने खभे बेसाड़ी वालीओ नदी क्रॉस करावी। इतिहास रचवाथी मात्र 4 मीटर दूर नर्मदा डेम 134 मीटर ने पार पहुंची। जल सपाटी 1,95,000 क्यूसेक पानी की आवक। अरवलीना शामळाजी मेशवो डेम में नवा नीर की आवक। डेम में 4,750 क्यूसेक पानी की आवक थता डेम की सपाटी 211.63 मीटरे पहुंची। डेम ओवरफ्लो थवामां फक्त 3 मीटर बाकी। सूरतना मांडवी में कांकरापार डेम पर वहीवटी तंत्रे तिरंगा कलर की लाइटिंग करी। डेमना नयनरम्य दृश्य सर्जाया। मोटी संख्या में पर्यटकों डेमनो अद्भुत नजारो जोवा पहुंचा। नर्मदा केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विस्तार में वरसादी माहौल। एसओयू खाते मेघधनुष देखाता स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर तिरंगो फरकाव्यो होय तेवा अद्भुत दृश्य। प्रवासी में राष्ट्रप्रेम छवायो। डांग जिलाना कोशमाल गामे आवेलू भीगु धोध प्रवासी माटे आकर्षण केन्द्र बन्यु। वरसादी माहौल वच्चे धोध ने जोवा मोटी संख्या में प्रवासी उमटिया। स्वयंभू शिव मंदिर पर होवाथी लोको दर्शन करवा पहुंचा। माउंट आबू में गुजराती प्रवासी जमावड़ो। वरसादी माहौल वच्चे वहता झरणा तेमज चारे तरफ फैलायेली लीलोतरी आकर्षण केन्द्र बनी। वीकेंड पर माउंट आबू में प्रवासी की भीड़। राज्य में वरसाद ने पगले अनेक जगह भूआ पड़ा। लोग परेशान। गांधीनगर में ઘ0 જવાના રસ્તા પર મોટો ભૂવો પડ્યો। રસ્તામાં પડેલા 10-15 ફૂટ ઊંડા ભૂવામાં એક વ્યક્તિ પડી જતા તેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો। સુરતના કામરેજ ચાર રસ્તાથી કામરેજ ગામ તરફ જતા રસ્તા પર ભૂવો પડ્યો। ઉમા કોમ્પ્લેક્સની સામે રસ્તા પર ભૂવો પડ્યો। થોડા મહિના અગાઉ જ બનાવાયો હતો રસ્તો। તંત્રની ખુલી પોલ। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए सूरतवासियों ने तिरंगा आप्या। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आप्या तिरंगा। लोगों ने तिरंगा आपी पोताना घर पर तिरंगो लहरावा करी अपील। देशभक्ति गीतों साथे तिरंगा वितरण। सूरत में तिरंगा यात्रा योजाई। खटोदरा पुलिस मथके तिरंगा यात्रा योजवामां आवी। यात्रा में गृहमंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहा। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर पण रहा हाजर। सूरत पुलिस ने तमाम उच्च अधिकारियों यात्रा में जोड़ाया। शहर ना अलथाणा विस्तार में तिरंगा यात्रा योजाई। ट्राफिक ना जवानों ब्लैक कमांडो सहित पुलिस अधिकारियों पर जोड़ाया। स्वतंत्रता दिवस की उजवणी ने लई राज्यभर में चाली रही है जोर शोर की तैयारी। आ वर्षे अरवली में योजाशे राज्यकक्षा स्वतंत्रता दिवस। ऑस्ट्रेलिया पर्थ में लोक गायक कीर्तिदान गढ़वीए देशभक्ति गीतों गाया। कीर्तिदान गढ़वीए ऑस्ट्रेलिया प्री नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ कर। कीर्तिदान गढ़वी सूर साथ लोग देशप्रेम तरबोल। तापी उकाई डेम रंगायो तिरंगा रंग में। उकाई डेम सुंदर दृश्य सामने आया। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत करायो शणगार। देश में आजादी अमृत महोत्सव की अनोखी रीते उजवणी। नवसारी आठ गामनी अने लंडन में रहती दीकरी भारतना चारे खूणाओं में तिरंगो लहरावशे। भारुलता कांबले बे दीकरीओ साथे लहरावशे तिरंगो। मिशन भारत अंगे 65,000 किलोमीटर नुं अंतर 5 महीना में पूर्ण करशे। भारुलता कांबले भारत में खेती नो व्याप वधारवा लोको सुधी संदेश पहोंचाडशे। सामाजिक न्याय विभाग ना केन्द्रीय मंत्रीए भारुलता नी कार यात्रा नो प्रारंभ कराव्यो। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत उजवणी। वडोदरानी वच्चे आवेलू मांडवी रोशनी थी जळहळी उठ्यू। मांडवी ने केसरी सफेद लीला रंगनी लाइट थी तिरंगानी रोशनी थी शणगारवामां आव्यो। मेहसाणा जिल्लामां आवेला ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिरे प्रथमवार तिरंगो लहराशे। सूर्य मंदिर केसरी सफेद अने लीला रंग थी जगमगी उठ्यू। तिरंगानी थीम पर रंगबेरंगी रोशनी कराई।
મહેસાણાના ઊંઝાધામમાં ઉમિયા માતાજીનું મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત કરાયો શણગાર. આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે હર ઘર તિરંગા અભિયાન. જૂનાગઢ શહેરને પણ તિરંગાની રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું. શહેરની કોર્પોરેશન ઓફિસ, શામળદાસ ગાંધી ટાઉન હોલ સહિતની જગ્યાએ રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું. અરવલ્લીના મોડાસા શહેરને દુલ્હનની જેમ શણગારાયું. સમગ્ર શહેરના આકાશી દ્રશ્યો આવ્યા સામે. સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી માટે મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ મોડાસા પહોંચશે. સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશન રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું. રેલવે સ્ટેશન પરિસરમાં આવેલા સ્ટીમ એન્જિનને પણ કરાયો શણગાર. રેલવે પરિસરમાં આવેલો 100 ફૂટ ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમને તિરંગાની રોશનીથી શણગારાયો. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત કરાયો શણગાર. સરદાર સરોવરનો નયનરમ્ય નજારો જોતા પ્રવાસીઓમાં આનંદ. તાપીના સેલુડ ગામમાં ઉકાઈ જળાશયમાં હર ઘર તિરંગા અભિયાનની અનોખી ઉજવણી. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત સૌ પ્રથમવાર તિરંગા નૌકા યાત્રા અને નૌકા હરીફાઈ યોજાઈ. કાર્યક્રમમાં વાતાવરણ તિરંગામય બન્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હર ઘર તિરંગા યાત્રા અંતર્ગત કીર્તિ મંદિરની લીધી મુલાકાત. કીર્તિ મંદિરમાં મુખ્યમંત્રીનું સૂતરની આંટી પહેરાવી સ્વાગત કરાયું. પોરબંદરના ધારાસભ્ય સહિત જિલ્લા ભાજપના આગેવાનો રહ્યા ઉપસ્થિત. હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોરબંદર પહોંચ્યા. સુદામા ચોકથી હર ઘર તિરંગા યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવાયું. યાત્રામાં તિરંગા સાથે હજારોની સંખ્યામાં શહેરીજનો જોડાયા. પોરબંદરમાં તિરંગા યાત્રામાં સીએમનું સંબોધન. કહ્યું, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પરથી તિરંગા યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવતા ધન્યતાનો અનુભવ. વિકાસ યાત્રામાં પણ સહભાગી થવા લોકોને અનુરોધ કર્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા 13-15 ઓગસ્ટ સુધી હર ઘર તિરંગા અભિયાનની અપીલ. રાજકોટની તમામ સરકારી અને અર્ધ સરકારી ઇમારતોને રોશનીથી શણગારાઈ. રાજકોટમાં તિરંગામય માહોલ. તો સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનું.